एक और बड़ा भाव वर्णन किया है, उसको भी आप सुनेंगे। ध्यान दें, मान लो कोई अपनी प्लाट है, कोई अपनी जमीन है, कोई अपनी भूमि है, कोई अपना घर है, आपने किराए से दिया, कोई किसी को कोई कार्य के लिए दिया और उसने उस पर कब्जा कर लिया, नहीं छोड़ा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत तक में केस पहुंच गया, तब भी कल्याणेश्वर महादेव का 108 चावल का दाना या 108 श्वेत पुष्प की पत्ती, सफेद फूल की कोई भी पत्ती, बाबा कल्याणेश्वर महादेव के नाम से किसी भी शिवालय में, किसी भी शंकर के मंदिर में, जो अपने घर के पास हो। हम ये कभी आपसे नहीं कहते कि आप बहुत दूर जाइए, आप तो आपके घर के पास में जो शिवालय, आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, आप वहां जाओ। प्रदोष काल के समय पर 108 चावल का दाना कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आप समर्पित करिए, शिव का स्मरण करिए, बाबा से वही 108 चावल के दानों में से 107 दाने वापस लेकर आ जाइए और वो दाने आप अपने कक्ष के अंदर बस बाबा से प्रार्थना कर कर आ जाओ कि बाबा अब आपको संभालना है, आपको साधना है। ना तो हमको मंत्र आता है, ना हमको तंत्र आता है, ना हम विद्या जानते हैं, ना हम साधना जानते हैं। शंकर का जो भक्त है, शिव का जो उपासक है, उसको कुछ आए ना आए, शंकर के भक्त को बस निर्मल मन रखना है, क्योंकि राम कथा भी कहती है निर्मल मन सो मोई पावा। आपका मन अगर पवित्र है, हृदय अगर पवित्र है, तो भगवान मिल जाता है। अब तुम मंत्र तो सब जानते हो, साधना सब जानते हो, 2 घंटे तक आंख बंद करके बैठे रहते हो, हम 3 घंटे तक माला जपते हैं, हम वेद पुराण शास्त्र सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी तुम अपशब्द कहते हो, अहंकार में फूल गए, कपट में फूल गए, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोल दिया, किसी के लिए अपशब्द बोल दिए, अपने लिए ही जीने लगे, तो वो एक आनंद नहीं है। आप मंत्र भी नहीं जानते चलेगा, आप साधना भी नहीं जानते चलेगा।